आपको एग्जैक्टली एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज इट टू द स्पोर्ट स्टीयरिंग अगेन. सो एग्जैक्टली कैसे होता है देखो, अगर जैसे जीरो रहता है, जीरो से अगर इफ आई जस्ट हिट ऑन द एक्सेलरेटर कैसे होता है देखो. होली शिट मैन, 0 to 100 तो जस्ट एस अबे यार. ब्लडी हेल, इट्स फास्ट, सुपर फास्ट. Hey, morning. So there is one big myth कि गाड़ी जितना पैसा उतना ज्यादा फास्ट, उतना स्पीड चलेगा. जितना ज्यादा पैसा लगा गाड़ी उतना स्पीड में चलेगा. ऐसे बहुत बार हुआ है. मैं जब हार्ली चलाता था लोग बोलते थे ये कितना स्पीड चलता है, उतना स्पीड क्यों नहीं चलता है, इतना स्पीड क्यों चलता है. उसके बाद व्हेन आई वाज राइडिंग द S1000, ओ ये इतना स्पीड में चलता है बट इससे तो बहुत ज्यादा पैसा वो हार्ली लेता है, वो उतना स्पीड क्यों नहीं चलता. दिस इज स्ट्यूपिडिटी. सो लेट मी क्लियर दिस डाउट ऑफ योर. सो बेसिकली गाड़ी का पैसा उसका परफॉर्मेंस को डिसाइड नहीं करता कि इतना पैसा तो वो इतना स्पीड चलेगा. अगर ये गाड़ी से वो गाड़ी इतना पैसा है तो वो और भी स्पीड चलेगा. सो गाड़ी का पैसा डजंट डिसाइड द स्पीड, मतलब फास्ट, हाउ फास्ट इट गोज, हाउ फास्ट इट गोज फ्रॉम 0 to 100, 100 to 200. गाड़ी का पैसा ये डिसाइड नहीं करता है बॉस. एक छोटा वाला एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ. लाइक लैम्बोर्गिनी हुरकैन इन इंडिया कॉस्ट लाइक 4 crores एंड इट डज 0 to 100 इन 3.4 seconds, 3.4 या 3.5 seconds. बट द सेम टाइम ए 50-55 lakhs टेस्ला मॉडल 3 परफॉर्मेंस कैन एक्चुअली डू जस्ट 3.2 सेकेंड. सोचो मतलब 4 करोड़ में आप एक गाड़ी खरीद रहे हो जो कि क्लोज टू 4 सेकेंड लेगा 0 to 100 जाने के लिए. एट द सेम टाइम 50 लाख का एक टेस्ला, इट विल गो मोर फास्टर देन दैट. सो अभी बताओ कि प्राइस डिसाइड करता है या नहीं. और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपको एक एक एग्जाम्पल और भी दे देता हूँ. चलो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिखा एक एक करके देता हूँ. बुगैटी शिरोन दैट इज लाइक 20 crores, इट डज 0 to 100 इन लाइक 2.4 seconds. बट 20 crores आपको 20 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा. लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर लाइक 9 to 10 crores, इट डज 0 to 100 इन 3 seconds. मैकलैरन 720S 6 crores एंड डज 0 to 100 इन लाइक 3 seconds. पोर्शे टर्बो टाइकन टर्बो एस 3.5 crores, इट डज 0 to 100 इन 2.5 seconds. Tesla Model S Plaid 1.6 crores, it does 0 to 100 like under 2 seconds. Tesla Model 3 Performance just like 50 to 55 lakhs and 0 to 100 in like 3.3 seconds. And this one, Tesla Model 3 Long Range, this one does 0 to 100 in like close to 4.4 seconds. Agar main isme acceleration boost wala kharid ke dal deta hun, then it can easily go for like 0 to 100 in less than 3.7 seconds. Acceleration boost is going to cost me close to $2,000. $2,000 matlab pakad lo, wahi 170 ya 180,000 lagega. Acceleration boost wo ek software hai, matlab Tesla wale khud hi bechte hain. Seedha agar main use kharidunga, my speed will be, I can easily save like 0.5 seconds. 0.5 seconds just for like 2 lakhs is like crazy deal. अगर आपको 0.5 seconds और कोई गाड़ी में save करना होगा तो you have to spend in crores. इसमें only आप 2 लाख अगर खर्चा करोगे, you can just buy the acceleration boost and 0 to 100 can be less than 3.7 seconds. So आपको ये सब examples देने का मेरा यही वाला motto था कि price basically doesn't decide the how fast the car goes. So कितना पैसा में कितना speed जाएगा, it never ever actually decided by the price. So आप कम पैसा में स्पीड जा सकते हो, कम पैसा में कम स्पीड में भी जा सकते हो. सो ज़्यादा पैसा अगर होता है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पीड जाओगे, दैट इज़ अ कम्प्लीट मिथ. सो अभी आपको, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ में, यूट्यूब में या टीवी में लोग मेज़र करते हैं. सो आपने कभी सोचा कि कंपनीज कैसे ये मेज़र करके बोलते हैं कि ये वाला कार 0 to 100 इतना स्पीड में जाता है. बेसिकल दे यूज ए GPS और टेलीमेट्री डिवाइस टू एक्चुअली मेजर द स्टैट्स एंड एक्चुअली मेजर दिस कि 0 to 100 में एक कार कितना सेकंड में जाता है, 100 to 200 कितना सेकंड में जाता है, क्वार्टर माइल कितना सेकंड में कंप्लीट करता. सो ये सब मतलब को मेजर करने के लिए, ये स्टैट्स को एक्चुअली निकालने के लिए यू नीड ए GPS टेलीमेट्री डिवाइस. एंड टुडे आई हैव वन, लेट्स जस्ट गो एंड अनबॉक्स दैट फर्स्ट. सो दिस इज द रेस बॉक्स बंडल, दिस इज द रेस बॉक्स बॉक्स. इसके अंदर भी क्या क्या आता है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है. रेस बॉक्स RO1 माउंटिंग किट, USB-C चार्जिंग केबल एंड एक्सटर्नल GPS एंटीना. अब इसको अनबॉक्स करके लेट मी जस्ट शो यू व्हाट ऑल डू यू गेट इनसाइड द बॉक्स. सो दिस इज हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक. सो बॉक्स के अंदर यू स्ट्रेट अप गेट द रेस बॉक्स. दिस इज व्हाट वी नीड टू पुट इनसाइड द कार टू डू ऑल दोज मेजरमेंट्स.
यहाँ पे एक डिस्प्ले है, यहाँ पे बटन्स है, ऑन ऑफ बैक आगे पीछे नीचे सब कुछ यहीं से आप कर सकते हो। एंड बैक में वी हैव ए चार्जिंग वाला केबल, यहाँ पे USB-C वाला केबल लगेगा एंड यहाँ पे आप GPS वाला इसको लगा सकते हो इफ़ यू नीड मोर प्रिसीजन। सो इसको देखते हैं अभी इसके अंदर और क्या क्या आता है। सो यू आर गेटिंग दिस वन द केबल, फॉर द केबल यू नीड टू कनेक्ट इट समथिंग लाइक दिस। इसको लेके ऐसा पीछे में कनेक्ट करने का, ये कनेक्ट हो गया, इसको लेके चार्ज कर सकते हो। एंड फॉर द GPS एड ऑन विच यू कैन एक्चुअली पुट इट आउटसाइड द कार एज वेल, ये पूरा केबल लंबा वाला केबल दे, इसको कार के बाहर सटा दो, काम खत्म। एंड उसके बाद दिस वन नीड्स टू बी कनेक्टेड टू दिस, सो दिस इज ओनली रिक्वायर्ड इफ यू आर रियली नॉट गेटिंग ए GPS सिग्नल, देन इसको लगाने का, नहीं तो ये लगाने का जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे GPS लगेगा, यहाँ पे चार्ज लगेगा एंड दिस वन विल बी फेसिंग यू। एंड उसके साथ आपको ये भी मिल जाता है, ये जो अपना रह गया अपना माउंटिंग किट, सो माउंटिंग किट को अपन ऐसा लगाएंगे, उसके बाद कार के अंदर इसे फिट करेंगे। लेट्स जस्ट गो एड एंड स्विच इट ऑन फर्स्ट। सो ये रेस बॉक्स को स्विच ऑन करने के लिए यहाँ एक बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करो तो ये ऑन हो जाएगा। यू कैन सी दैट इट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन, इट सेज लैप टाइमर ड्रैग मीटर हिस्ट्री सेटिंग्स, में कार के अंदर जाके आपको दिखाएगा। चलो अपना रेस बॉक्स तो सेटअप हो चुका है, अभी इसे कार के अंदर इंस्टॉल करते हैं, देन एग्जैक्टली मेजर करते हैं What kind of stats we are going to get with this Tesla Model 3 Long Range? इसमें अभी acceleration boost वाला नहीं है, I am planning to actually buy that acceleration boost by next week. 2 lakh खर्चा हो जाएगा वो तो बहुत मतलब, बट एक बार ट्राई करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो रखेंगे, नहीं तो actually Tesla is also giving a feature to ask for a refund as well. So अगर अपने को acceleration boost लगाने के बाद 2 lakh खर्चा करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर अपन टेस्ला से रिफंड भी मांग सकते हैं विद इन 48 आवर्स, तो अपने पास वो भी ऑप्शन है। सो प्रोबेबली नेक्स्ट वीकेंड आई विल गो एड एंड बाय दैट, उसके बाद अगेन आई विल कम टू दिस प्लेस, सेम प्लेस, टेस्ट करेंगे एक्सेलरेशन बूस्ट के साथ, अगर अच्छा नहीं लगे रिफंड मांगेंगे। फॉर नाउ लेट्स जस्ट गो एड एंड ट्राई दिस रेस बॉक्स हाउ इट वर्क्स विद द इनसाइड द कार। पहले तो इसको इंस्टॉल करेंगे एंड वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द GPS सिग्नल्स टू गेट कनेक्टेड, वंस इट्स कनेक्टेड वी कैन जस्ट गो एड एंड स्टार्ट। चलो अभी रेस बॉक्स अपना इसके साथ इंस्टॉल हो चुका है, इसको इंस्टॉल करने के लिए अपने को थोड़ा इसे लूज करना पड़ेगा, लग गया है परफेक्ट। सो अभी इसे टाइट, सो एटलीस्ट वीडियो में भी विजिबल रहेगा। ओके चलो अपना रेस बॉक्स इज ऑन, लैप टाइमर, ड्रैग मीटर, मीटर हिस्ट्री सेटिंग्स, एवरीथिंग इज ऑन, बस वी आर वेटिंग फॉर द GPS टू कम। चलो अपना रेस बॉक्स इज इंस्टॉल्ड, इट सेज क्लियरली लैप टाइमर, ड्रैग मीटर, अपने को जाना है ड्रैग मीटर, अपने को जाना है ड्रैग मीटर, ड्रैग मीटर जाने के बाद डिस्टेंस, स्पीड, स्पीड में जाने के बाद प्रेडिक्टिव्स, ओके गो बैक, डिस्टेंस प्रेडिक्टिव मोड में रिकॉर्ड एटलीस्ट 1 drag run टू एनेबल दिस फीचर। ओके एक बार ड्राइव करना पड़ेगा इसके साथ। सो गाइस ऑल सेट, अपना ड्रैग मीटर इज रेडी, कार इज रेडी, स्पोर्ट्स मोड, इसमें तो वैसे स्पोर्ट्स मोड नहीं रहता है, सो बेसिकली आई हैव द इफ आई गो टू एक्सेलरेशन चिल और स्टैंडर्ड, सो मैं भी स्टैंडर्ड में रखा हूँ, स्टीयरिंग मोड को अपन बस खाली स्पोर्ट्स कर देंगे, दैट्स ऑल, सीधा अभी चलेंगे। सो लेट्स गो एंड ड्राइव एंड टेस्ट द स्पीड, 0 to 100, 100 to 200, कितना एग्जैक्टली आता है ये टेस्ला मॉडल 3 लॉन्ग रेंज में। बट मैन लेट मी टेल यू, दिस कार इज लाइक क्रेजी फास्ट, क्रेजी फास्ट, जैसे आप एक्सलेट करते हो पूरा ऐसा समथिंग लाइक दिस हैपेंस। चलो अभी शुरू करते हैं, होपफुली द रोड्स आर क्लियर, एक बार देखते हैं, अभी सामने से तो कोई दिख भी नहीं रहा है। पहले 0 को चलते हैं, देन वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट एंड देन वी हैव टू गो, सो स्टार्ट स्टार्ट भाई, 5 4 3 2 1 गो। गॉड डैम, बालू बहुत है, बहुत ज्यादा बालू है। क्या दिखा रहा है, फॉल्स स्टार्ट, व्हाई व्हाई फॉल्स स्टार्ट, 0 to, ओके सो 0 to 60 इट सेज, एक बार बैक करते हैं पहले, ओके एक बार देखते हैं क्या अपना स्टैट्स आया। सो इट सेज 0 to 60 किलोमीटर पावर अपना 0 to 100 आया 4.49 seconds, नॉट बैड, 100 to 200 13.5, सो टेस्ला से 0 to 100 4.44 seconds, मेरा आया 4.49, नॉट बैड नॉट बैड, सो जस्ट लाइक विद इन 1/10 of a second अपना ओनली डिफरेंस था।
सो रन वन वॉज मैक्सिमम स्पीड वॉज 210 किलोमीटर पर आवर. अभी और एक बार मारते हैं, लेट्स गो. बीच में साला बालू बहुत हो गया है, नहीं तो खतरनाक ही शुरू होता. ओके नाउ स्टार्ट वंस मोर. स्टार्ट भाई. 5 4 3 2 1 गो. रिएक्शन टाइम थोड़ा लेट हो चुका है बट स्टिल फुल थ्रॉटल ऑन. गॉड डैम. हो कितना आया रिएक्शन टाइम. वो रिएक्शन टाइम वॉज समहाउ 0.8 सेकेंड्स, मतलब नॉट 1 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, बट स्टिल वी शुड बी एबल टू मेजर एग्जैक्टली. नाउ 1 सेकेंड का इधर उधर ले सकते हैं. इट सेज रिएक्शन टाइम 0.8. ऑल राइट. सो इट सेज 0 to 100 ओनली 4.3 सेकेंड, 0 to 60 2.27, 100 to 200 ओनली 12.2 सेकेंड्स, एंड रन टू वॉज मैक्सिमम स्पीड 221 किलोमीटर पर आवर. क्रेजी मैन, इट्स जस्ट सो फास्ट, फ्रीकिंग फास्ट. सभी देखो ये है जीरो, जीरो आपको दिख रहा है. अभी मैं पूरा फ्लैट आउट स्टार्ट करता हूँ फिर से. एक बार मिडिल को चले जाते हैं क्योंकि अभी तो कोई भी नहीं है रोड पे एनीवेज. सो लेट्स गो टू जीरो. पूरा स्टार्ट से अभी देखो. सो वॉट यू जस्ट सॉ वॉज क्रेजी फास्ट. अभी यहाँ जो ये जो मेन रोड है हाफ डेजर्ट रोड, आज बहुत ज़्यादा बालू है. रोड और थोड़ा क्लियर रहता तो वी कुड हैव इवन ट्राई टिल 300. अभी मेरे को मालूम नहीं है कि टेस्ला मॉडल 3 में हाई स्पीड कितना तक लॉक हो के. सो वी ट्राई टिल 220 या 224, और भी थोड़ा आगे स्पेस था बट आगे में इतना बालू था कि आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक रिस्क. बट मैन इट वॉज जस्ट सो फ्रीकिंग फास्ट. द बेस्ट थिंग वॉज दिस रेस बॉक्स यार, इसमें पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता रहा है. एंड अगर आपका लेट स्टार्ट होता है वो बोल देता है कि रिएक्शन टाइम लेट हो गया. अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो वो भी बोल देता है. तो इसमें मतलब ये जो ट्रैक रेस हो गया या फिर ऐसे आप ड्रैग रेस लैप टाइम इसको मेजर करने में, दिस इज द बेस्ट. सो जस्ट इन केस इफ एनीवन इज लुकिंग टू बाय दिस फॉर हिज कार, और बाइक किसी में आप यूज कर सकते हो आराम से लगा के. मैं नीचे में लिंक डाल देता हूँ, मेरा कूपन कोड डाल दूँ तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा. आई लव दिस डिवाइस मैन, आई एम गोइंग टू यूज दिस डिवाइस फॉर ऑल ऑफ द कार्स. आप ये वीडियो के बाद ये चैनल जितना वीडियो जाएंगे अब अपन हर वीडियो में इसको लेके इसको यूज करेंगे. एंड विल मेजर द 0 to 100 ऑफ ईच एंड एवरी कार. क्या बोलते हो, हर कार का 0 to 100 वाला वीडियो आना चाहिए कि नहीं? आई जस्ट लव ट्राइंग दिस. बट रोड से नहीं मिलता दुबई में. दुबई में तो हर रोड में स्पीड लिमिट्स है. बेस्ट थिंग इज दूर आना पड़ता. अभी मैं घर से आया हूँ क्लोज टू 50 या 60 किलोमीटर्स जस्ट टू गेट टू दिस रोड विच डजंट हैव एनी स्पीड लिमिट. आराम से यहाँ चला सकते हैं, यहाँ कोई बंदे भी रहते नहीं. इट्स कम्प्लीटली डेजर्ट, खाली रोड. तो बहुत दूर आना पड़ा ये एक टेस्टिंग के लिए. सो जस्ट इन केस इफ यू हैवंट लाइक द वीडियो, नीचे जो लाइक बटन उसको मार देना, फ्री है. बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है एक वीडियो में. एंड हाँ, और एक चीज़ तो मैं बता नहीं भूले, ये जो रेस बॉक्स है इनका एक मस्त वाला आईफोन वाला ऐप भी है, एंड्रॉइड में भी है शायद. इसको आप सीधा लगाओगे एंड आईफोन या फिर एंड्रॉइड वाला ऐप ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो रिकॉर्ड्स उसमें सिंक होकर पूरा आपको दिखाएगा. तो फिर आप क्या करोगे, हर कार का जब आप रन लेते हो, हर कार का एक टैग मार के रख दो, तो आप जितना भी कार चलाते हो, जितना भी कार का टेस्ट करते हो, हर टेस्ट को वहाँ सेव करके उसका फोटो भी ले सकते हो, देख भी सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो. हाँ, ये कार में मेरा कितना आया था, ये कार में मेरा कितना आया. सो दिस डिवाइस इज गोइंग टू हेल्प ए लॉट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इनटू ड्रैग रेसिंग, ट्रैक रेसिंग या फिर लैप टाइमिंग, ये सब के रिकॉर्ड रखने के लिए जबरदस्त वाला डिवाइस. इसका मोबाइल ऐप मैं आपको दिखाता हूँ. सो दिस इज द मोबाइल ऐप रेस बॉक्स. इसको आप खोलोगे तो यू आर गोइंग टू सी द डिटेल्स. छोड़ भाई. सो यहाँ अभी दिखा रहा है क्योंकि मैंने दो ही रिकॉर्ड मैंने किया. सो इट सेज अपना ट्रैक डिवाइसेस, वन डिवाइस इट शोज. मेरा एक डिवाइस है, मैं अभी ऑफ कर दिया हूँ. तो यहाँ पे वो क्लियरली दिखा रहा है कि रन वन पे आपका कितना हुआ था, जीपीएस एक्यूरेसी कितना, कि 60 feet और 0 to 100 कितना गया, उसके बाद जाके 100 to 200 कितना गया, 1/16 mile, 1/4 mile, 1/8 mile, सारा डिटेल्स यहाँ दिखा रहा है. देखो सेकंड रन में क्लियरली शोज टेस्ला मॉडल 3 रेंज 0 to 100 4.33 seconds, बेस्ट 100 to 200 12 seconds, उसके बाद 0 to 200 टोटल 16 seconds. ऑल द डिटेल्स क्लियरली इनसाइड द ऐप. लव इट. ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही था. मेरे को अभी फिर से घर जाना पड़ेगा. सो काइंड ऑफ लाइक मोर
60 kilometers to drive from here to home right now. So लंबा drive, घर पहुँचने के बाद we have to leave for beach today because उस दिन हम लोग जाने में उस दिन बहुत लेट हो गया यहाँ actually बहुत एक एक जगह में इतना लेट हो जाता है जाने में क्योंकि ट्रैफिक भी इतना रहता है, धीरे धीरे ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, एक्सपो के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, सो कहीं भी जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो होपफुली वी आर गोइंग टू गेट सम टाइम टुडे टू गेट द ग्रॉसरी एंड उसके बाद आई नीड टू टेक माई सन टू द बीच एज वेल. वाला वीडियो तो एनी वेज फैमिली वाला व्लॉग्स ओडिया वाले व्लॉग में ही आता है ओडियरो का चैनल पे. सो इन केस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ लाइक मार देना, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर सब्सक्राइब नहीं करते आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा वेन एवर आई एम अपलोडिंग न्यू वीडियो. एनी वेज अपना न्यू वीडियोज इट कम्स एवरी डे एट 9 to 9:30 AM के अंदर आ ही जाता है. आई विल सी यू गाइस इन द न्यू व्लॉग. Thank you.